परी बताओ, मैं हूं सुल्तान। फूल लाया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है ना? सुबह आने वाली है, गाजी आएगा, हमारा निकाह हो जाएगा। घर में भी सबको पता चल गया होगा, बारात भी वापस चली गई होगी। तुम आज भी तैयार होके नहीं आए, फिर बहाना बनाओगे कि मैं तैयार नहीं हूं, निकाह नहीं हो सकता। क्यों करते हो इस तरह? अब कैसी तबीयत है? पता नहीं, ये हाथ पैर जल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तुम बताओ, मैं जी तो लग रही हूं ना? हाँ जी लग रही हूं मैं। हाँ तारीफ करो। क्या हुआ? ये खुल नहीं रहा, इसको ये तुमने बनवाया ना सुल्तान, तुमने किया ना सब कुछ? नहीं, डॉक्टर्स ने तुम्हारी बनाई क्यों? ये बेवकूफ मत बना मुझे, क्या समझते हो तुम खुद को? आपको समझ आई है इस लड़की की कुछ सरवरसा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रही है ये? अलीजे, किसी को पसंद करना, किसी का अच्छा लग जाना, आई थिंक इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, हर किसी के साथ ही होता है। बड़ी हो गई है। बड़ी तो हो गई है, लेकिन कल नहीं आई है ना अभी तक। मतलब ऐसे कैसे एक नजर में कोई पसंद आ जाए? और लव एट फर्स्ट साइट कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं सर साहब, समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ?
तुम्हारी असरा बहुत मासूम है, खुद नहीं जानती उन लोगों के बारे में कि वो कैसे हैं कैसे नहीं है, हम कैसे जानते होंगे, और ऐसे में उम्र भर का रिश्ता जोड़ लेना मुमकिन नहीं है ना। बस ठीक है, रखें। सर एक बात पूछूं, ये आपकी क्या लगती है? रिश्तेदार है दूर की, पर इसे मिलने तो कोई भी नहीं आता। ये पैसे तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए दिए, सवाल नहीं, ख्याल रखना इसका। हरी साहब, जब तक मैं मुकम्मल छानबीन नहीं कर लेता ना, किसी से कोई बात नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। सर्वर साहब, आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे उसको इस डिसीजन में जब तक आपको सारी डिटेल्स हासिल ना हो जाए। ठीक, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूं, अगर नताइज वैसे निकले तो मैं असरा के लिए फुल सपोर्ट करूंगा, बीच में जालिम समाज की दीवार नहीं बनूंगा। राइट? ऑफ कोर्स। वन मोर थिंग, जब तक मैं छानबीन नहीं कर लेता, अम्मा को प्लीज कुछ ना बताना। सर्वर साहब, मैं बस असरा की बेहतरी चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कभी भी उसको कोई तकलीफ हो, कुछ बुरा हो उसके साथ। फिकर ना करो, सब ठीक होगा। आई थिंक आई विल वेट फॉर द राइट टाइम। असरा से भी मैं खुद बात करूंगा और अम्मा से भी। पीछे देख, चश्मा तो लगा ले। ओह गॉड, न्यूटन देख कर नहीं चल सकते। तुम भी तो देख के चल सकती हो। बॉटनी के जर्नल पर काम कर रही थी,
नीड एनी हेल्प? हाँ, डायग्राम बनानी है। मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है। मैं बना देता हूँ। तुम मुझे बना कर दोगे? मजाक कर रहे हो क्या? मैं वाला मजाक क्यों करूँगा? वो एक्चुअली तुम किसी की हेल्प नहीं करते ना, इसलिए मैंने सोचा। तुम्हारी करूँगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। अब जाओ। तुम भी तो जा सकती हो। ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ, लेकिन याद से कल तक दे देना। कल तक नहीं, आज शाम तक ही मिल जाएगा। ए सुल्तान। अरे शर्जील, व्हाट्स अप ब्रो, ऑल गुड? ऑल गुड, गुड टू सी यू मैन। कांग्रेचुलेशंस यार, आई जस्ट हर्ड तुम्हारा सीएसएस क्लियर हो गया। बेस्ट ऑफ लक। कहाँ ये पोस्टिंग? थैंक्स, कस्टम्स। ओह कस्टम्स, गुड। वैसे अगर तुम भी सीएसएस कर लेते ना तो बहुत अच्छा होता। नहीं यार, सीएसएस इज नॉट माय कप ऑफ टी। मुझे थोड़े मुश्किल काम करने का शौक है। यू आर राइट, इट वाजंट इजी दो। तुम्हें तो वैसे भी पैसे में इंटरेस्ट था। पैसे में ही तो नहीं था। क्या ख्याल है, मैच हो जाए? क्या करोगे मेरे साथ खेल के, फिर हार जाओगे। प्रैक्टिस करो। सुनो, अगर ऐसी बात है तो फिर आज जीत के दिखाओ। जीरो। क्या हुआ सुल्तान, जीतना भूल गए क्या? सर्विस करा। सुल्तान की होती है। सुल्तान, आर यू ओके? फाइन, आई एम फाइन। यार तुम्हें अभी तक फंदा लगता है पानी पीते? स्ट्रेंज, आई थिंक तुम गेम को लेके कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाते। गेम को लेके नहीं, जीत को लेके।
Well played. See you. जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। फिर वो मोहब्बत मोहब्बत थोड़ी रहती है, फिर क्या हो जाती है? इश्क बन जाती है। मोहब्बत तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन इश्क हमेशा जिंदा रहता है। वैसे असरा अम्मी बहुत बड़े दिल की मालिक है, सबसे हटकर है, वरना सोचे इतना बड़ा नुकसान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। है तो वाकई बहुत बड़ा नुकसान। शुक्र है। किस नुकसान की बात हो रही है? वो कुछ नहीं बेटा, बस उसकी कॉपी घुमा दी थी इसने, और कुछ नहीं। फैशन इंस्टीट्यूट में कॉपियां नहीं होती, मुझसे झूठ मत बोले। क्या हुआ हाला? वो भाई कुछ नहीं, बस असरा के रजिस्टर में मुझसे चाय गिर गई थी, ये नुकसान हुआ। मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो हाला? अगर सच बोलोगी तो मैं तुम्हें जान से तो नहीं मार दूंगा ना, बताओ मुझे। कहा ना, कुछ नहीं हुआ, बस चाय गिरी थी। ठीक, मेरा फोन डेड हो गया, अपना फोन देना, एक जरूरी कॉल करनी। जरूर। पासवर्ड डाल के दो। शुक्र है बच गई। दुश्मनी का बुनियाद पे नजर डालो और जमदा पर खास तौर पे निगाह रखो। क्या मतलब है बाबू? तुम कहना चाहता है कि इसका पीछे जमदा है? जिस दिन से वो लड़की हमारा घर में आया है, तीन लाशें गिरा है, तीन लाशें। बात खई की तरफ बढ़ रहा है। चनार और तराब खान तुमको पागलों की तरह ढूंढ रहा है, जो कर रहे जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे करीब गहरा तंग हो रहा है। हम वादा करता है तुमसे, तुम बेगुनाह नहीं मारा जाएगा। जिस दिन तुम्हारा गुनाह साबित होगा, अपना हाथ उसे मारेगा तुमको। कितना ही अच्छा होता ना अगर सुल्तान मुझे खुद से अप्रोच करते। काश उनके दिल में भी वही फीलिंग्स होती जो मेरे दिल में है। लेकिन खैर, ऐसा तो सिर्फ मूवीज में होता है ना, और मैं कौन सा हीरोइन। ये काम करती हूँ, मैं विश कर लेती हूँ उस हीरोइन की तरह। जब वो विश करती है तो हीरो खुद ही आके उसे प्रपोज कर देता है। अगर सुल्तान मुझसे जरा सा भी प्यार करते हैं तो वो मुझे अभी इसी वक्त कॉल करेंगे।
पागल हो गई, कुछ भी सोच रहे हैं। सुल्तान मुझे कॉल कैसे करेंगे और कर भी कैसे सकते हैं, उनके पास तो मेरा नंबर भी नहीं। हेलो। हाँ हाला, बोलो क्या हाल है, कैसी हो? सुल्तान है। हाला का भाई। भाई ने अस्रा को कॉल कर दी। हेलो हेलो, हेलो जी सुल्तान, हाला ने आपका कोई नुकसान किया? नुकसान? कौन सा नुकसान? देखिए मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मुझसे सच बोलेंगी, बताइए मुझे। अच्छा वो दरअसल मेरा एक इयररिंग खो गया। हाला से? नहीं हाला से बिल्कुल नहीं, मुझसे खो गया है। मुझे वो नुकसान बताइए जो हाला ने आपका किया। दरअसल मेरा एक इयररिंग खो गया है हाला से, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मामूली सी बात है। गोल्ड का था? नहीं डायमंड का था। ओ, डायमंड। कितने तक का होगा अप्रोक्सीमेटली, आपको कुछ आइडिया है? मुझे नहीं पता, प्लीज बताइए मुझे। I really want to know. मुझे वाकई नहीं पता। ओके, आपके पास उस एयरिंग की कोई पिक्चर वगैरह कुछ है? जी है। आप मुझे वो सेंड कर दीजिएगा। ठीक है सुल्तान, अब बात को बढ़ा रहे हैं। नुकसान हमारी तरफ से हुआ है, उसे पे बैक करना हमारा फर्ज है। कोई नुकसान नहीं हुआ है, आप बात को समझ नहीं रहे, मामूली सी चीज है, क्या ही फर्क पड़ता है। कौन काटती? So careless of you, Anna. भाई भाई आप भी इसके साथ मिल गई? बेटा सुल्तान, लड़कियां ऐसे ही करती हैं। जो होना था वो तो हो गया ना, लेकिन आप लोगों ने ये बात मुझसे छुपाई क्यों, मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि भाई वो बहुत महंगा है। So what? मैं पैसे दे सकता हूँ हाला। अरे उसने पैसे थोड़ी ना मांगे। आप सबको ये बात पता होनी चाहिए कि अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं नुकसान पूरा कर सकता हूँ। मेरी इतनी सैलरी है कि मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी बहन को या मेरे घर के किसी भी मेंबर को कोई ये ताना मारे कि हम लोग गैर जिम्मेदार हैं। आइंदा ख्याल कीजिएगा। मैंने सुल्तान से बात की है? Thank you.
वैसे आज क्या खास बात हो गई जो इस वक्त लंच पे ले आई हो? मेरे लिए तो आजकल हर दिन ही खास, सब कुछ हसीन लग रहा है मुझे। अगर बिल पे करने का वादा करो तो एक सरप्राइज दो। ऐसा क्या सरप्राइज है? पीछे मुड़ के देख लो, सरप्राइज खुद ही नजर आ जाएगा। देख लेते हैं ऐसा भी क्या सरप्राइज है तुम्हारा। सही बताओ सुल्तान बैठे हुए यूं कैसे, यूं क्या करें? मैं क्या बोलूंगी क्या कहूंगी तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तिल के दुआओं भी काम करने बंद कर दिए। प्यार में ऐसे ही होता है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। वो ये मेरे बेटे का भाई है। सॉरी हां नहीं, ये मेरे भाई का बेटा है शायान। हाय। ओह हाय शान, कैसे हो आप? ठीक, आप बताएं। और आप कैसी हैं? वो ये बिल्कुल ठीक। बाय द वे आप यहाँ कैसे? वो हमारा एक ऑफिशियल लंच चल रहा है, उसी सिलसिले में आया हूँ। प्लीज जॉइन अस। नहीं थैंक यू, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। मेरे क्लीन्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने आपको देखा तो आपसे मिलने चला है। So nice of you. Okay, enjoy your meal, guys. Asra, आपने अभी तक मुझे एयरिंग की पिक्चर नहीं सेंड की। देखिए अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। खुद को शर्मिंदगी से बचा रहा हूँ। After all, नुकसान मेरी बहन से हुआ है तो पेबैक तो करना है ना। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो भूल भी गई, आप भी भूल जाएं प्लीज। असरा मैं बहुत जिद्दी इंसान, आपका एयरिंग आपको वापस करके ही भूलना चाहते हैं। आप मुझे पिक्चर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। लेकिन इनके पास तो आपका नंबर ही नहीं है, कैसे करेंगे पिक्चर सेंड? ओह हाँ इट इज शॉर्टली पुगा। आप एक काम कीजिए, अपना नंबर मुझे बताइए, मैं आपको मैसेज करता हूँ। जी लिखें 03। Got it. आप चेक कर लीजिएगा। ये मैसेज मैंने ही भेजा है। जी। थैंक यू। एंजॉय योर मील गाइस। थैंक यू। सुल्तान का नंबर आ गया मेरे पास, मुझे मैसेज किया। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, मेरे सब सब इतना अच्छा कैसे हो रहा है? शायान और असरा कहाँ हैं? अम्मा बाहर खाने में गए, घर में सब्जी जो बनी है। कॉल करती हूँ। अम्मा बैठे ना प्लीज। अम्मा चाय लेंगे आप? नहीं बेटा मैं नहीं चाय पीऊंगी। जब देखो आप असरा के लिए परेशान रहती हैं, कभी मुझे भी ढूंढते हुए आ जाया करें, मैं भी आप ही का बेटा हूँ। ठीक कहा तुमने। अली से तुमने सर्वर को वो बात बताई जो मैंने तुमसे कही थी? बिल्कुल भी नहीं। जो आपके और अलीजे के दरमियान बात हुई है ना, उसके पास अमानत।
ये तो अच्छी आदत है, लेकिन बहुत दफा अगर बात छुपाई जाए तो वो कंधों पे बोझ बन जाती है। अम्मा बताएं आप क्या कहना चाहती हैं, मैं सुन रहा हूं। बेटा मैं असरा के बारे में बात करना चाह रही थी। तुमने रिश्ते को इनकार तो कर दिया है, क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता? नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं, बस वो छोटी है ना अभी, इस तरह घर गृहस्थी अम्मा ज्यादा हो जाएगा उसके लिए। लेकिन मैं समझती हूँ लड़कियों की शादियां जल्दी कर देनी चाहिए। अलीजे ने भी तो सिर्फ बीए किया था जब हमारे घर ब्याह कर आई है। अम्मा उस वक्त कुछ और था, अब वक्त बदल गया है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चों को जिंदगी जीने का मौका तो देना आप। ठीक है शादी जिंदगी का हिस्सा होती है, लेकिन पूरी जिंदगी तो नहीं होती ना। आप फिक्र ना करें, शादी हो जाएगी उसकी। तुमने उसे पाला है इसलिए मैं समझ सकती हूं, लेकिन बेटा जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ कर करना। मैं तो समझती हूं कि जल्दी लड़कियों की शादियां कर देनी चाहिए। इतनी भी अच्छी मत बनाओ, सारे नंबर वो ही ले जाएगी। मैं चाकर भी बुरी नहीं बना सकता। बेटा सब समझ रहा हूँ मैं, ये जो तुम्हारी लव स्टोरी है ना, जीरो लाके देगी, जीरो। ना मैं उसे फेल होने दूंगा ना खुद फेल होगा। इतनी पसंद है तो जाके बोल दो उसे। कैसे बोलूं, जब मैं उसके सामने बात करता हूँ तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। लिख के दे दो। क्या लव लेटर? खून से दिल बनाते हैं। से? अरे मैंने मूवीज में देखा है, जब हीरो हीरोइन को खून से लव लेटर लिख के देता है ना तो हीरोइन मान जाती है। मुर्गी के खून से लिख के दे देना, उसको कौन सा पता चलना है। तुम्हारी हीरोइन आ गई। वाओ न्यूटन, कितनी अच्छी डायग्राम बनाई है तुमने। थैंक यू सो मच। भाई मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें पसंद करती है, अब जाके बोल दो इससे पहले कोई और बोल दे।
उस एयरिंग का पूछ रहा हूँ जो आपका एयरिंग हाला से गुम हो गया था। नहीं है। हेलो। अगर आपके पास पिक्चर पहले से ही मौजूद थी तो फिर मुझसे क्यों मांग रहे थे आप? देखना चाह रहा था। किसे देखना चाहते थे आप? आप अपने घर वालों की पैसों की कितनी कदर करती हैं इससे? देखिए, मैंने आपसे कहा है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, फिर क्यों जिद कर रहे हैं आप? जिद तो आप कर रही हैं, मैं तो अपनाइयत दिखा रहा हूँ। ऐसे हर जाना भर के कौन सी अपनाइयत होती है भला? चले आप बहाना समझ लें। अब क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैं समझी नहीं। समझते सब है, मानते नहीं है। अब आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे लोगों को मुश्किल में डालना, लोगों को मुश्किलों से लड़वाना। हाँ, लेकिन सहूलत का अपना ही मजा है। गलत, जीत का अपना ही मजा है। सहूलत में सुस्ती और काहिली होती है। इसका मतलब है आप मुझे सुस्त और काहिल कह रहे हैं? वैसे अमूमन मैं इस वक्त किताबें पढ़ता हूँ, आप क्या करती हैं? मैं वो आई थिंक कि आप बातें करती हैं। जी मैं भाभी से, शयान से बहुत सारी बातें करती। तो जाइए, जाके भाभी और शयान से बातें कीजिए। हाय, काश आप ही कर लेते मुझसे बात।